आज हम आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर में बिजनेस स्टेटिक में व्यवसायिक सांख्यिकी के अंतर्गत मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे, लेस देन से क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे और मोर देन से क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे। उसके बाद एक प्रोफाना आपको बता देंगे कि किस तरह कौन कौन से कॉलम मेन मीडियन मोर में बनाए जाते हैं। सबसे पहले है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को क्या कहते हैं, बीच की संख्या, ठीक है। अगर क्वेश्चन में अगर मिड वैल्यू दिया हुआ, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो आप इसका कैसे क्लास इंटरवल बनाएंगे वो मैं आज आपको बनाना बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन में दिया है 95, 105, 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, यानी कि इन संख्याओं के बीच में कितने कितने का अंतर है, 10-10 का अंतर है। जब इस तरह की सभी संख्याओं के बीच में 10 का या 5 का अंतर होता है तो हम पहली जो संख्या होते हैं तो इसका हम आधा कर लेते हैं। तो आधा क्या करते हैं, उसी संख्या में पहले घटाएंगे फिर और उसी संख्या में हम जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पे 95 है, 105, यानी कि टोटल कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो आधी जो आधा है, आधा कितना आया, 5। तो 5 जो है पहले हम 95 में घटा देंगे। जब 5 95 में घटा देंगे तो हमारी संख्या क्या आएगी, 90 आ जाएगी, ठीक है। अब 5 जो बचे हैं वो हम इसमें जोड़ देंगे। 95 में 5 जोड़ दिए, क्या हो गया, 100, ठीक। इसी तरह फिर नीचे इसमें हम 5 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसमें हम 5 जोड़ देंगे, क्या आएगा, 110 आएगा। फिर इसमें हम 5 घटाएंगे, 110 आएगा। फिर इसमें हम 5 जोड़ देंगे, 120 आएगा। एक फिर इसमें 125 में हम 5 घटा देंगे, 120 आएगा। इसमें 5 जोड़ देंगे, 130 आ जाएगा। फिर उसमें 135 में 5 घटा देंगे, 130 आएगा। फिर इसमें हम 5 जोड़ देंगे, 140 आएगा। फिर इसमें 5 घटाएंगे, 140 आ जाएगा। 5 जोड़ देंगे, 150 आएगा। इसमें 5 घटाएंगे, 150 आएगा। 5 जोड़ देंगे, 160 आ जाएगा। फिर इसमें 5 घटाएंगे, 160 आएगा। और इसी में हम 5 संख्या जोड़ देंगे, 170 आ जाएगा। फिर इसमें हम 5 घटाएंगे, 170 आएगा। 5 जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा। यानी कि जितने का गैप होगा, आधी संख्या पहले उसी में हम घटाते हैं और फिर आधी संख्या फिर हम उसी में जोड़ देते हैं। तो इस तरह से क्लास इंटरवल बन जाता है। दूसरी बात होती है फ्रीक्वेंसी की, जो मिड वैल्यू में होती है। मिड वैल्यू में फ्रीक्वेंसी की हम जो जैसा क्वेश्चन में दिया होता है हम उसको वैसे ही वैसे उसको हम उतार के रख देते हैं। जैसे इसमें फ्रीक्वेंसी दी है 4, तो 4 मैंने ये रख दिया। जिस तरह की ये फ्रीक्वेंसी दी है तो इसको हम वैसे ही लिख देते हैं। इसमें फ्रीक्वेंसी को कोई भी हम बदलते नहीं है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी को वैसे इसमें हम लिख देते हैं। तो इस तरह देखा आपने मिड वैल्यू को हम क्लास इंटरवल में कैसे चेंज करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो हम इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देख लेते हैं कितने का है, फिर जो अंतर होगा उसका आधा उसी में पहले घटाएंगे और फिर उसी में जोड़ के इस तरह से हम क्लास इंटरवल बना देते हैं। तो ये हमारा किसका निकल आया, मिड वैल्यू का, इस तरह क्लास इंटरवल निकल आया। फिर इसके बाद मांगे के अपना फार्मूला लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेस देन। लेस देन क्या होता, कम, ठीक है। जैसे यहाँ क्वेश्चन में दिया है 10, 20, 30, 40 और 50, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में कितने का अंतर है। तो हमने ये देखा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच में अंतर 10 का है, यानी कि ये 10 का अंतर। अब 10 में हम 10 अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इस तरह से हम इसका क्लास इंटरवल बना दें। कहने का मतलब है इन संख्याओं के बीच में कि जितने का अंतर हो तो उतना हम आगे घटा देंगे, यानी कि 10 है, 10 में हमने 10 के आगे 10 घटाएंगे, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से क्लास इंटरवल बन जाता है। दूसरी बात, लेस देन में हम फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। तो इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी के लिए जो पहली संख्या होती है तो उसको हम वैसे रख देते हैं। तो यहाँ दूसरी वाली संख्या को हम ऊपरी वाली संख्या से घटाते हैं। जैसे यहाँ पे 12 है, 12 में 3 घटाएं, 9 आ गया। 25 में 12 घटाएं, 13 आ गया। 33 में 25 घटाएं, 8 आ गया। 35 में 33 घटाएं, 8 आ गया। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी
निकलती है। तो कहने का मतलब है कि जो ये पहली वाली क्वेश्चन में जो पहला अंक इसमें फ्रीक्वेंसी का दिया होता है उसको हम उतार के वैसे लिख देते हैं और नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटाते हुए इस तरह चले जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारा लेस देन निकल आता है। तो आपने देखा मिड वैल्यू कैसे का क्लास इंटरवल बनता है और लेस देन से हम क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट है मोर देन। मोर देन का मतलब होता है अधिक। तो अब ये इसमें क्वेश्चन में मोर देन लिख गया, 10 है, 20 है, 30 है, 40, 40, 50, इस तरह के ये सब दिए हुए। वही फिर हम देखेंगे कि इन संख्याओं के बीच में अंतर कितने कितने हैं। तो जब हमने इन क्वेश्चन में देखा तो इसमें मुझे ये मालूम हुआ कि इन संख्याओं के बीच में जो अंतर है वो 10 का है। तो क्लास इंटरवल क्या बनाएंगे, 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि मोर देन, मोर देन मतलब होता है अधिक, यानी कि 50 से जब हम ये कितने का अंतर, यहाँ पे 10 का अंतर है, तो हम 50 में 10 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये 50 से 60, यानी कि मोर देन में जितने का अंतर होगा उतनी संख्या हम आखिरी में और जोड़ के उसका क्लास इंटरवल बना दिया। तो इस तरह आपने देखा मोर देन में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह का हमने ये क्लास इंटरवल बना दिया। अब इसमें है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या नियम है बदलने के लिए, तो इसमें क्या जो ऊपरी वाली संख्या होती है, जो ऊपर वाली संख्या होती है ऊपर वाली संख्या से हम नीचे वाली संख्या को घटाते हैं। तो यहाँ पे 64 दिया है, 64 में जब हम 58 घटाएंगे तो हमारी संख्या यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगी, 6 निकल के आएगी। ठीक इसी तरह 58 में हम जब 42 कम करेंगे तो यहाँ क्या निकल के आएगी, 16 निकल के आएगी। 42 में जब हम 31 घटाते हैं तो यहाँ क्या निकल के आएगी, 11 निकल के आएगी। ठीक है 31 में जब 16 घटाया तो 15 निकल के आई, 16 में 5 घटाया तो 11 निकल के आया। और इसमें एक ध्यान बात ये है कि जो मोर देन में जो सबसे आखिरी वाली संख्या होगी हम उसको उतार के वैसे लिख देते हैं, इसमें ना हम घटाते हैं ना जोड़ते हैं। तो इस तरह आपने देखा कि मोर देन में क्लास इंटरवल किस तरह बनाया गया। ठीक है फिर इसमें फ्रीक्वेंसी कैसे बदलते हैं, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से घटाते हुए जो घटाएंगे जो आएगा वो हम यहाँ रख देंगे, फिर उसकी दूसरी वाली संख्या से तीसरी वाली संख्या, तीसरी वाली संख्या से चौथी वाली संख्या, चौथी वाली संख्या से पांचवी वाली संख्या, जितनी संख्याएं होंगी उसको हम वैसे घटाते हुए आएंगे। लेकिन जो आखिरी वाली संख्या होगी हम उसको घटाएंगे नहीं, उसको वैसे के वैसे उसमें लिख देते हैं। तो इस तरह मोर देन से, इस तरह मोर देन को हम क्लास इंटरवल में इस तरह बना लेंगे, इस तरह इसकी नई फ्रीक्वेंसी निकल आएगी। अब हमें अगर मीन निकालना है तो इसी से मीन निकाल देंगे क्लास कंटिन्यूअस सीरीज में। अगर वो मीडियन क्वेश्चन कहता है तो मीडियन निकाल देंगे, अगर मोड कहता है तो मोड निकाल देंगे। तो इसमें अगर वो तीनों कहता है तो हम क्लास इंटरवल हमारा ये आ गया, इसी के आधार पर हम आगे और जो है कॉलम बना के उनको हम जो क्वेश्चन कहेगा मीन मीडियन मोड उसी के आधार पे हम क्वेश्चन बना देंगे। ठीक है अब इसमें आता है कि मीन मीडियन मोड में कॉलम कितने बनते हैं। सबसे पहले बनता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या हो, कंटिन्यूअस सीरीज में होता है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 वगैरह वगैरह, इस तरह के जो भी सीरीज दी हुई होंगी तो वो किस में हम लिखते हैं, वो क्लास इंटरवल में, इस कॉलम में हम उसको लिखते हैं। ठीक है जब इस तरह की जब सीरीज बनी होती है यानी कि ये L2 और L1 हमारा जब मिल रहा होता है तो ये हम समझ लेते हैं कि ये हमारा क्लास इंटरवल सिस्टम से बना हुआ है। तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी दी होगी तो हम इसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम में यहाँ पे ऐसे ऐसे सब इसके इसके सामने सामने हम जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है अब आता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कॉलम होता है जो L1 है, ये क्लास इंटरवल का है, L1 L2 को हम जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारी ये मिड वैल्यू की संख्या यहाँ पे हमको ज्ञात हो जाती है। ठीक है अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है जो CF होती है, CF वाली पहली वाली संख्या लिख देते हैं और पहली वाली संख्या से दूसरी वाली संख्या को हम यहाँ पे जोड़ के इस तरह से लिखते हुए चले जाते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, CF निकल आता है। यानी कि पहली जो फ्रीक्वेंसी है तो यहाँ लिख देंगे, सपोज कीजिए 5 है,
नीचे है दो है, तो पांच यहां लिख दिया। अब पांच में दूसरी संख्या हम जोड़ देंगे, पांच दो सात, सात में तीसरी संख्या जो यहां पे होगी वो इस तरह जोड़ते हुए चले आएंगे, ठीक है। अब ये डीएक्स है, डीएक्स का ये डीएक्स का कॉलम, डीएक्स कैसे निकालते हैं, इसी को मिड वैल्यू को हम एक्स मानते हैं, ठीक है। इसका जो भी हम कोई भी बीच की संख्या को एज्यूम मान लेंगे, या ए इक्वल टू जो एज्यूम संख्या मान लें उसी से हम इसको घटा के जो यहाँ पे निकल आएगा वो डीएक्स निकल आता है। अब एफ डीएक्स कैसे निकलता है, डीएक्स का गुणा हम एफ से कर देंगे, डीएक्स का जो गुणा है, जो ये डीएक्स है एफ का गुणा हम डीएक्स से कर देंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, एफ डीएक्स निकल आएगा। अब इसका जो शॉर्टकट का फार्मूला है वो लगा देंगे, उसी के आधार पे हम मीन, मीडियन या मोड या जो भी क्वेश्चन जिससे संबंधित वो कहता है उसी के आधार पे हम ये लगा सकते हैं। तो इस आज आपने इस वीडियो में देखा कि मिड वैल्यू को हम क्लास, मिड वैल्यू ये दी हुई है, इसको क्लास इंटरवल कैसे बनाते हैं और इसकी फ्रिक्वेंसी को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेस देन में इसका क्लास इंटरवल कैसे बनाया जाता है और इसकी फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, ठीक उसी तरह मोर देन में, मोर देन में क्लास इंटरवल कैसे इसका निकाला जाता है और इसकी कैसे फ्रिक्वेंसी को बदलते हैं, और इसमें कौन कौन से कालम होते हैं, मीन मीडियन मोड निकालने में कौन कौन से ये कालम होते हैं और वो कैसे निकाले जाते हैं, तो ये मैंने आज आपको इस क्वेश्चन के माध्यम, इस एक डायग्राम के, इस प्रोफार्मा के माध्यम से मैंने आपको ये बताया है कि इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस हैं मीन मीडियन मोड आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वांटाइल 1 और क्वांटाइल 3 कैसे निकाला जाएगा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।